उधर मुस्लिम लीग नून की जानिब से इंतखाबी तैयारियां जारी हैं। नून लीग के मरकजी ऑफिस मॉडल टाउन में आज लाहौर डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए जा रहे हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं लाहौर से वॉइस न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर आज़म बाजवा से। जी आज़म बाजवा, बताइएगा नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में आज कितनी कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशस्तों के उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए जा रहे हैं? आज बिल्कुल इलेक्शन 2024 के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो इलेक्शन 2024 की तैयारियां जो हैं वो बिल्कुल इस वक्त अरूज पर दिखाई दे रही हैं। इस हवाले से आज मुस्लिम लीग नून के पार्टी सेक्रेटेरिएट ऑफिस में जो है 17वां इजलास जारी है और आज के इस इजलास में इस्लामाबाद समेत लाहौर डिवीज़न के 3 अजला जो हैं जिनमें कसूर, ननकाना और शेखपुरा शामिल हैं, यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनके इंटरव्यू जो हैं वो किए जाएंगे। कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी। सर कहाँ से हैं? इस्लामाबाद से। अच्छा, ये बताइएगा कि कैसा देख रहे हैं जो पार्लिमानी बोर्ड के इजलास चल रहे हैं, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, तो आपने किसके लिए अप्लाई की है, कौमी असम्बली के लिए या सूबाई असम्बली के लिए? मैंने और आयर अब नवाज साहब ने कौमी असम्बली की NA-47 से इस्लामाबाद से अप्लाई किया और ये सबसे अच्छी बात है कि कायदे मोहतरम या मोहम्मद नवाज शरीफ सब खुद इंटरव्यू कर रहे हैं ताकि एक उम्मीदवार को भी पता लगे कि मैं क्या हूँ और कायदे मोहतरम को पता लगे कि ये बंदा कब से हमारे साथ है और कैसे इसकी कुर्बानी और मेरिट पर काम हो रहा है और इंशाल्लाह ताला मेरिट पर ही काम होगा। सर आप क्या कहेंगे, आप भी उम्मीदवार हैं टिकट के, क्या कहते हैं आप? देखें जी, आज हम पार्लिमानी बोर्ड में हमारा इंटरव्यू और हमें बुलाया गया है और हमारे कहे जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद इस पार्लिमानी बोर्ड की सरबराही करेंगे, तो इलेक्शन की इंशाल्लाह भरपूर तैयारी है। बाकी पार्टी जिसको भी फैसला, मुख्तलिफ लोगों ने अप्लाई किया, पार्टी कारकुनों ने, पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम इंशाल्लाह उसके साथ भरपूर सपोर्ट करेंगे। पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसके साथ जो है खड़े हैं और भरपूर जो है वो उनकी जो है सपोर्ट करेंगे। तो इसी तरह पार्टी के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड का 17वां इजलास शुरू हो चुका है और आज लाहौर डिवीज़न के 3 अजला कसूर, शेखपुरा और ननकाना सबसे तलक रखने वाले उम्मीदवार जो हैं उनके इंटरव्यू जारी हैं। इस्लामाबाद से टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यू भी आज ही किए जाएंगे। ज़िला कसूर से कौमी असम्बली की 4 और सूबाई असम्बली के 10 हलकों के उम्मीदवारों के इंटरव्यू जो हैं इस वक्त जारी हैं। ज़िला शेखपुरा से कौमी असम्बली के 4 और सूबाई असम्बली के 9 हलकों के उम्मीदवारों के इंटरव्यू इस वक्त जारी हैं। ज़िला ननकाना साहब से कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 4 हलकों के इस वक्त इंटरव्यू जो हैं वो जारी हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो तमाम लीगी उम्मीदवारों से मुलाकात करके इनके इंटरव्यू जो हैं वो इस वक्त कर रहे हैं। पार्लिमानी बोर्ड का 17वां इजलास आज पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में इस वक्त जारी है। इजलास की सदारत कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ मुश्तरका तौर पर जो है वो कर रहे हैं। इसी तरह अजलास में चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर राना सनाउलस में दीगर जो अहम रहनुमा हैं वो भी आज के इस इजलास में जो है वो शामिल हैं। आज के इजलास में लाहौर डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों से कोऑर्डिनेटर ख्वाजा साद रफीक और इस्लामाबाद के कोऑर्डिनेटर मोहसिन शाहनवाज रांझा समेत मरकजी और सूबाई ज़िली अहदेदारान समेत दीगर आला अहदेदारों की उम्मीदवारों समेत जो है वो सिफारशात पर भी गौर किया जाएगा। जी